उगते सूरज का प्रदेश अरुणाचल, यहाँ के जेएनवी पापन पारे से तापी अकु सभागार में उपस्थित है। आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अकु, अपना प्रश्न पूछिए। Honorable Prime Minister, very warm greeting from the land of rising sun, Arunachal Pradesh. I am Tapi Aku, studying in Standard 12 from JNB Papumpare, Arunachal Pradesh. प्रधान मंत्री जी, आपने पार्लियामेंट में अधिकारों और कर्तव्यों पर भाषण दिया था, वो मुझे बहुत पसंद आया। आपके अनुसार देश के नागरिकों को कर्तव्यों के प्रति हम कैसे सजग बना सकते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद अकु। फॉर अ क्वेश्चन सिमिलर टू दिस वन, वी हैव विद अस शैलेश कुमार फ्रॉम केवी गिल नगर, चेन्नई। ही इज अ क्लास 11 स्टूडेंट फ्रॉम तमिलनाडु, अ स्टेट फेम्ड फॉर इट्स हेरिटेज टेम्पल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिम। कुड वी हैव द क्वेश्चन प्लीज? नमस्कार सर, माय नेम इज पी शैलेश कुमार। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 स्टडिंग इन केंद्र विद्यालय गिल नगर, चेन्नई। सर, बीइंग अ स्टूडेंट, व्हाट आर माय राइट्स एंड व्हाट ड्यूटीज आई नीड टू परफॉर्म? थैंक यू। थैंक यू शैलेश। इससे मिलता जुलता एक प्रश्न और भी है। मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व से गौरवान्वित गुजरात के महाराजा अग्रसेन विद्यालय से गुनाक्षी शर्मा इस साक्षात आपसे अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। गुनाक्षी, अपना प्रश्न पूछिए। सुप्रभात, मेरा नाम गुनाक्षी शर्मा है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं अहमदाबाद गुजरात के महाराजा अग्रसेन विद्यालय में पढ़ती हूँ। माननीय, मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि मैंने सिविक्स में नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में पढ़ा है। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कृपया बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद गुनाक्षी। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आग्रह है कि शैलेश, गुनाक्षी एवं अकु की नागरिक कर्तव्यों के विषय का जिज्ञासा का समाधान करें। सबसे पहले तो ये सवाल मुझे अरुणाचल की बेटी ने पूछा है और मैं स्वाभाविक मानता हूं कि अरुणाचल की बेटी के मन से ऐसा ही सवाल निकलेगा। आपके मन में होगा ऐसा क्यों? आप में से शायद कोई अरुणाचल गए होंगे कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। इस देश में अरुणाचल एक प्रदेश ऐसा है कि जो एक दूसरे को जब मिलते हैं तो जय हिंद करके ग्रीट करता है। यह हिंदुस्तान में बहुत रेयर है। आपको कोई भी मिलेगा तो जय हिंद करेगा। और उसका कारण 1962 के वॉर के बाद अरुणाचल का जो मिजाज बना है, उसी प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा के सिवाय देश के अंदर जीवन में ज्यादा प्रचार के लिए अंग्रेजी में उतनी मास्टरी, हिंदी में भी उतनी मास्टरी की है। आप वहां के बच्चों को मिलोगे तो आपको लगेगा, और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि कभी न कभी वैकेशन में दौरा करने का मन करे तो आप नॉर्थ ईस्ट जरूर जाइए। जाएंगे? नहीं, पहले तो सिंगापुर जाएंगे, फिर दुबई जाएंगे, हैं, उसके बाद मौका मिला तो जाएंगे, ऐसा करेंगे ना? हमारा देश सचमुच में अद्भुत है, अनुभव करने जैसा है। मैं आज यहाँ जब आया तो अलग अलग बच्चों के जो पेंटिंग थे वो मुझे बता रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा सुखद अनुभव रहा कि बच्चे अपनी मातृभाषा के सिवाय किसी दूसरी भाषा में अपना परिचय करवा रहे थे। महाराष्ट्र की बच्ची उड़िया भाषा में परिचय करवा रही थी, देहरादून की बच्ची मलयालम भाषा में परिचय करवा रही थी। क्यों? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो एक हम लोगों का काम चल रहा है उसको लेकर के इन सब बच्चों ने कोशिश की है। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा,
अपनी मातृभाषा, फिर अंग्रेजी भाषा, उसके बाद हिंदी भाषा, उसके सिवाय हमारे देश में इतना समृद्ध खजाना है, कोई न कोई एक भाषा से परिचय करना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। अब विषय आया है कर्तव्य। एक तो अधिकार और कर्तव्य, ये साथ साथ जो बोला जाता है वहीं से गड़बड़ हो जाती है। यानी अधिकार भाव कोई एक व्यवस्था है, कर्तव्य भाव को दूसरी व्यवस्था है। जी नहीं, हमारे कर्तव्य में ही सबके अधिकार समाहित है। अगर मैं टीचर के नाते अपना कर्तव्य निभाता हूं तो विद्यार्थी के अधिकार की रक्षा होती है कि नहीं होती है? विद्यार्थी के अधिकार की रक्षा होती है कि नहीं होती है? तो फिर अधिकार और कर्तव्य का झगड़ा नहीं रहता है। महात्मा गांधी बहुत आग्रहपूर्वक कहते थे कि मूलभूत अधिकार नहीं होते हैं, मूलभूत तो कर्तव्य होते हैं, और अगर ईमानदारी से हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें तो फिर किसी को अपने अधिकार के लिए कभी भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अधिकार उसमें संरक्षित ही होंगे। दूसरा, कभी कभी हम कुछ दायित्व निभाते हैं, जैसे परिवार में माता पिता अपना दायित्व संभालते हैं, बच्चा अपना दायित्व संभालता है, अड़ोस पड़ोस के लोग अपना दायित्व संभालते हैं, लेकिन बात यहां तक सीमित नहीं होती है। इतना बड़ा विशाल देश, एक राष्ट्र के रूप में हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो हमें निभाने चाहिए कि नहीं निभाने चाहिए, निभाने चाहिए कि नहीं निभाने चाहिए? अगर देश को आगे ले जाने के लिए कुछ करना है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब जैसे 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं, अब आजादी के 75 साल हो रहे हैं और 2047 आजादी के 100 साल होंगे। आपने कभी सोचा है कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब आप कहां होंगे? आप किसी न किसी व्यवस्था में लीडरशिप देते होंगे। लीडरशिप मतलब मेरा वाला काम नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लीडरशिप होती है। क्रिकेट का एक कैप्टन भी लीडरशिप देता है, कबड्डी का एक कैप्टन भी लीडरशिप देता है, कारखाने में 200 मजदूरों के साथ काम करने वाला भी लीडरशिप देता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तब आज जो मेरे 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं वे उस समय देश में लीडरशिप की पोजीशन में होंगे। अब आप सोचिए कि जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, आप लीडर होंगे, उस समय लीडरशिप के समय आपको बिल्कुल टूटी फूटी फालतू व्यवस्था मिल जाए और फिर आपको कहे लीडरशिप करो तो अच्छा रहेगा क्या? तो मजबूत व्यवस्था चाहिए कि नहीं? मजबूत व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब जो भी देश मजबूत बनेगा तो किसके काम आएगा भाई? आज जो 80-90 साल वाला है उसके काम आने वाला है क्या? नहीं आएगा। देश का अगर पर्यावरण की रक्षा होती है तो किसके काम आएगा? देश के अंदर संसाधनों का सदुपयोग होता है तो देश के काम आएगा। देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो किसके काम आएगा? इसका मतलब यह हुआ, मानो 2022 आजादी के 75 साल है, इस देश के लिए कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, फांसी के तख्त पर चढ़ गए थे, अंडमान निकोबार की जेलों में जिंदगी गुजार दी थी। किस लिए? देश आजाद बने। आजाद मतलब झंडा बदले इतना थोड़ा है, हम आत्मनिर्भर बने, हमारा आत्मगौरव बढ़े, हम आत्मसम्मान से जिए। मैं इसके लिए कौन सा कर्तव्य निभा सकूं जो इस भाव को मजबूत करता है?
उन कर्तव्यों का मुझे पालन करना चाहिए। जैसे क्या मैं तय कर सकता हूं कि 2022 आजादी 75 साल होते हैं, मैं और मेरे परिवार में हम जो भी कुछ खरीदना होगा हम लोकल खरीदेंगे, मेक इन इंडिया चीज ही लेंगे। अगर बिल्कुल हमारे देश में उपलब्ध ही नहीं है तो ठीक है, बाहर से लाएंगे। मुझे बताइए कर्तव्य हुआ कि नहीं हुआ, देश का भला होगा कि नहीं होगा, देश की इकोनॉमी को ताकत मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम रेडीमेड चीजें लाएंगे, क्रैकर भी बाहर से ला करके धमाका करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे अपने, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही जागरूक होते हैं, स्वच्छता के विषय में बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पूरे घर की सफाई कर देते हैं। सफाई करने के बाद क्या करते हैं, बाहर निकल के देखते हैं पड़ोसी वाला सोया है कि जागता है, और धीरे से वो कूड़ा कचरा वहां छोड़ देते हैं। अब उन्होंने अपना कर्तव्य तो पूरा किया, लेकिन सचमुच में देश हित के लिए कर्तव्य किया क्या? नहीं किया। फिर वो सुबह जब उठेंगे तो वो देखें, अच्छा ये आज जल्दी उठ करके डाल गए हैं, वो उठा करके यहां डाल देंगे। स्वच्छता होगी नहीं, कूड़ा कचरा इधर से उधर होता रहेगा। क्यों? एक राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए मेरी जो जिम्मेवारी है उसको निभा नहीं रहा। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। मैं घर में अगर बिजली फालतू में नहीं जलने देता हूँ, पानी को नहीं जाने देता हूँ, मैं बिना टिकट कभी ट्रेन में सफर करने वाले को स्वीकार नहीं करता हूँ, बहुत सी चीजें हैं जो जीवन में एक एक हिंदुस्तानी करे तो देश बहुत तेजी से बदल सकता है। और इसलिए एक नागरिक, ये बात सही है कि इन दिनों सिलेबस ऐसे बदल गए हैं और उतने सिलेबस का बढ़ चढ़ करके हो गया है कि शायद जो हम लोग जब पढ़ते थे तब नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता था, शायद अब वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। लेकिन हम सबका कर्तव्य है कि एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दे, अपने लिए भी उपयोगी होगा, समाज जीवन के लिए भी उपयोगी होगा, और उसके लिए हमारे प्रयास साथ। और आपने देखा होगा नई पीढ़ी एयरपोर्ट पे देखोगे क्यों खड़ी है, तो नई पीढ़ी क्यों तोड़ती नहीं है, और एकांत व्यक्ति अगर क्यों तोड़ता है तो सारे लोग गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो अपनी डिसिप्लिन का कर्तव्य निभाता है। यही समाज जीवन में अगर स्वभाव बन जाता है तो देश का बहुत भला होगा।